बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेल्थ जिंदगी चैनल में मैं अब्दुल शफीक खान आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से आप लोगों को स्वस्थ रहने की दुआएं मांगता हूँ। अल्लाह आप लोगों को खैर वाफियत रखे। दोस्तों, मेरा जो आज का नुस्खा है वो मुँह की बदबू, शुगर और बवासीर के मस्से यानी पाइल्स। तो नुस्खा बहुत ही उम्दा है, आप वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें, समझें और मेरे बताए हुए नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। और इसी साथ साथ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं यूट्यूब पे नया वीडियो अपलोड करूं आप तक फौरन पहुंच सके। तो दोस्तों, नुस्खा बहुत ही उम्दा है, वो कैसे बवासीर पे इस्तेमाल करना है, कैसे शुगर पे इस्तेमाल करना है, कैसे मुंह की बदबू दूर करने के उसमें इस्तेमाल करना है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आता हूं पहले शुगर के उसमें। अगर किसी को शुगर है तो क्या होता है, आदमी शुगर की दवाएं एलोपैथिक ले लेके अपनी किडनी का वाट लगा लेता है। शुगर से किडनी, आप ये याद रखिएगा, कभी ख़राब नहीं होती। शुगर की दवा खाने से किडनी ख़राब होती है। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो विद्वान लोग थे, उन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे लिए दवाओं पे इस्तेमाल करके, रिसर्च करके बता के चले गए, लेकिन हम लोग उसको दरकिनार करते जा रहे हैं और हम अंग्रेज़ी अद्वियात पे आते जा रहे हैं, जो हमें ठीक के बजाय बीमारियों की तरफ ले जा रहे हैं। तरह तरह के मसले, तरह तरह के मर्ज तैयार हो रहे हैं। जितना हम एलोपैथिक अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, हम उतना बीमारियों के करीब जाते जाएंगे। तो दोस्तों, आप पहले देसी चीज़ों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके जो मसले हैं वो दूर हो जाते हैं। क्या होता है, अंग्रेज़ी जो दवाएं होती हैं वो फास्ट रिलीफ होती हैं, कुछ पल के लिए आपको सुकून दे सकती हैं, लेकिन मर्ज को आपके ख़त्म नहीं करती और दूसरे मर्ज को पैदा करती है। और देसी दवाएं आपके मर्ज को जड़ से ख़त्म करती हैं, और दिगर मर्ज भी अगर आपके मैदे में पल रहे हैं, जिस्म में पल रहे हैं, तो वो भी ख़त्म कर देती है। तो देसी दवाओं में बहुत ताकत है। तो चलिए मैं शुगर की तरफ आता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये आम का दरख्त है, इसको मैंगो ट्री भी बोला जाता है, और कौन कौन सी जबानों में क्या बोला जाता है इंशाल्लाह मैं सारा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसके बौर हैं, इसको ये फूलों से लैस है ये इस वक्त, और थोड़ा कैमरा नज़दीक ला ले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरे फूल है, इसको बौर बोला जाता है। ये बड़ा सा दरख्त है, और आपने शुगर के लिए यूँ करना है कि जैसे शुगर के लिए इसके पत्ते नीचे, जो पेड़ के नीचे झड़ के पड़े हों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पत्ते हैं, दिखाओ थोड़ा कैमरा नज़दीक, ये पत्ते आपने लेने हैं। शुगर का जो मरीज़ है, ये पत्ते लेना है आपने, दरख्त के नीचे के पत्तों को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद इनको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इनका सपूप यानी कि पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसको महफूज रख लें। जिसको शुगर है, तरह तरह की दवा खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, या नॉर्मल नहीं हो रहा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इससे आपके शुगर के मसले हल हो जाएंगे और एक दो माह में आपकी शुगर की जो दवाएं हैं वो छूट जाएंगी। तो इस्तेमाल आपको सपूप किस तरीके से करना है, सिर्फ आपने डेढ़ मासा सपूप ताज़े पानी के साथ आपने लेना है। आप सुबह ले लीजिए, शाम में ले लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। तो डेढ़ मासा सपूप, ये याद रखिए, एक ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होता है, आप लीजिए, इंशाल्लाह आपका शुगर की जो दवाएं खा रहे हैं ख़त्म हो जाएंगी खाना, और आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा परहेज ज़रूर किया करिए, शुगर का पेशेंट जो होता है, जैसे मीठी चीज़ें हैं ज़्यादा, मटन चिकन अंडे का इस्तेमाल है, बाहर की जंक फूड है, इनसे थोड़ा गुरेज करेंगे, परहेज करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। और अंग्रेज़ी अद्वियात से जो आप शुगर की दवा खा रहे हैं उनसे निजात मिल जाएगी। अब मैं आता हूँ मुँह की बदबू पर। अगर किसी को मुँह से बदबू ज़्यादा आ रही है, यहाँ तक कि अगर आस पास कोई बैठा है, यार है, दोस्त है, या भाई है, या घर में बीबी भी है, तो उससे क्या होता है, या उससे शौहर है, तो उससे क्या होता है, मुँह में जब बदबू आती है तो बोल तो कुछ पाता नहीं है, लेकिन अजीब फील होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसकी मिसवाक लेनी है, आम की मिसवाक लेनी है। तो आम की मिसवाक को आप इस तरीके से वो कर लें, कैमरा थोड़ा नज़दीक ला लें या जूम कर लें, तो इस तरीके से आप इसको मिसवाक को बढ़ा के इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मुँह की बदबू दूर हो जाएगी। अब रहा बवासीर के मस्सों पर यानी पाइल्स के मस्सों के लिए, तो उसमें क्या करना है, आपको आम के यही पत्ते, आप सूखे पत्ते ले लें,
या पेड़ से तोड़ लें, इनको सुखा लें। उसके बाद आपने यूँ करना है कि दो ईंट रखें, दो या चार ईंट रख लें और उसमें गोबर के ओपल यानी जिसको इंग्लिश में डंग केक भी बोला जाता है, तो उसको रख लें और उसको जला लें। और जब वो जल जाए, एक आग की तरह बन जाए, तो उसमें इसका जो आप सपूत बनाएंगे, पत्तों का पाउडर बनाएंगे, तो उस पर जो मरीज है जिसको बवासीर के मसले हैं उस पर आप उस बैठा दीजिए जो ईंट है, और एक कपड़ा पूरा बांध लीजिए ताकि उसका धुआं बाहर ना आए। और ये पाउडर जो आम के पत्तों का रहेगा उस पर डालते जाइए, तो वो जो धुआं उसका उठेगा, उसके मस्सों पे सेंक लगेगी, धुआं जाएगा, तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो उसके मस्से झड़ जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और बवासीर से की जो तकलीफ़ है मस्सों से वो उससे निजात को मरीज को मिल जाएगी। तो ये याद रखिएगा, कपड़ा अच्छी तरह बांधना है, दो या चार ईंटें ऊपर रख लें और बीच में गोबर के कंडे यानी ओपल्स जिनको डंग केक भी बोला जाता है इंग्लिश में, उनको रख के जला लें पहले, जब वो पूरा जल जाए और सिर्फ एक अंगारक बचे तो फिर उसमें उस मरीज को बैठा के और इसका जो आपका पाउडर है आम के पत्तों को उसको डालते जाए, और वो धुआँ उसके जो मस्से हैं वहाँ पहुँचेगा, तो उसका बवासीर के मस्सों से निजात मिल जाएगी, झड़ जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो ये दोस्तों मेरा आज का नुस्खा था, आप लोगों को कैसा लगा शेयर करिए। इसके साथ मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।